बढ़लगंज थाना क्षेत्र के सिधुआपार स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे बदमाशों ने एक महिला को दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। लेकिन हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीन हमलावर एक बाइक पर सवार थे। दिन में करीब 11 बजे मृतिका के पास घर का गेट खुलवाकर दो लोग फल मीठा लेकर पहुंचे थे। एक व्यक्ति बाहर ही बाइक पर बैठा रहा। मृतिका की बेटी पानी पीने के लिए घर के अंदर गई, समझी रिश्तेदार हैं। उसी समय दो लोग तुरंत असलहा सटाकर पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय सदानंद यादव को गोली मार दी और फरार हो गए। मृतिका पुष्पा देवी उम्र 38 साल, पति स्वर्गीय दयानंद उर्फ गुड्डू यादव उर्फ सदानंद यादव, जिनकी मौत बीमारी से 2 साल पहले हो चुकी है। इनके 2 लड़की और 1 लड़का है। मृतिका के पति बैंकॉक में रहकर नौकरी करते थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बैंकॉक में ही रहकर काम करती थी। कोरोना काल में वह अपने घर आई थी और यहीं रहने लगी। चर्चा है कि मृतक की पत्नी के देवर से जमीन का कुछ मामला चल रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और हथियारों के तलाश में जुट गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, हरिनाथ के लड़के हैं, इनके बड़े भैया के लड़के जो जो मरी है इनके पास। आज प्रातः 10 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि सेंट जेवियर स्कूल के पास किसी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो उसकी 10-11 साल की बच्ची जो घर पर मौजूद थी उसने बताया कि दो लोग आए, उन्होंने दरवाजा खुलवाया, उनके हाथ में फल भी था, ड्राइंग रूम में बैठे और मम्मी चाय लेने गई। जैसे वो पीछे मुड़ी है उसके ऊपर हमलावर हो गए और कुछ दोनों में हाथापाई भी हुई। इसके बाद उसे गोली मार दिया। उसने खिड़की से मोटरसाइकिल से भागते हुए जब देखा तो उसके बाद आई तो उसकी मां लहूलुहान पड़ी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और उसके बाद पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की एक बेटी है जो बालिग है, उसने जो तहरीर दिया है उस तहरीर के हिसाब से इन लोगों का पारिवारिक विवाद है जिसमें जमीन को लेकर के विवाद है। मृतका विधवा है और इसके परिवार के अन्य देवर जेठ लोग जमीन के कारण उसकी उस बेटी के अनुसार कुछ रंजिश रखते थे जिसकी वजह से हत्या हुई। पुलिस इसके सारे पहलुओं की छानबीन कर रही है और जब तक कुछ सामने उभर के आएंगे उसके आधार पर आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसमें पता चला कि वो थाईलैंड में कारोबार करती थी। मैंने बताया ना कि मृतका जो है उसकी उम्र भी अभी बिलो 40 इयर्स है, ओबीडो है। इनका देवरिया में इसका घर है मूल रूप से,
तो इन सारे कारोबार से जो पैसे वैसे थे, यहाँ भी उसने एक मकान बनाया था, वहां उसके मकान में हिस्सा देना नहीं चाहते थे, घर में जमीन में हिस्सा देना नहीं चाहते थे, यहाँ लोग लेना चाहते थे। ये सारा विवाद इन्हीं चीजों का है। थाईलैंड के कारोबार से इसमें जुड़ा कुछ है या महिला थाईलैंड में कारोबार करती थी नहीं करती थी, ये सारा विषय भी जांच के दायरे में है।